ये हैं ठाकुर विजय राय जी, जिन पर देवी माँ की कृपा है। विजय राज जी बड़े ही रहमदिल और दानवीर इंसान हैं। गरीबों की मदद करना इनकी रग रग में बसा है, इसीलिए देवी माँ का आशीर्वाद खास तौर से इनके साथ है। जग्गू, ध्यान रखना हमारे दर से कोई खाली पेट न लौटे। जी। लोगों की खुशी में ही ये अपनी खुशी समझते हैं। खुश रहो बच्चा। आपने मुझे विजयादशमी के दिन बुलाया, कोई खास वजह पिताजी? महादेव राय, आज हम तुम्हें एक रहस्यमय मंदिर का राज बताने जा रहे हैं, इसे पकड़ो। हमारे भारत की सरजमीन पर कुल 18 शक्तिपीठ हैं। माँ के इन पवित्र मंदिरों के बारे में सबको पता है, पर माँ के इन सभी 18 पवित्र पुण्य स्थलों को एक रहस्यमय मंदिर नियंत्रित करता है, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं। वो राज तुम्हें बताते हैं। किसी एक अनजानी जगह पर पहाड़ों, नदियों और झरनों से होकर गुजरता है इस राज भरे मंदिर का रास्ता। इस मंदिर की देवी माँ का त्रिशूल, रुद्र त्रिशूल और ज्वालामुखी पत्थर जिसके पास हो वो सबसे ताकतवर बन जाता है, जिसे कोई मात नहीं दे सकता और मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में कोहराम मच सकता है। मिस्र के लोग इस ताकत के बारे में जान चुके हैं और वो इसे हासिल करना चाहते हैं। इस रहस्यमय मंदिर को खोजने के लिए उन्होंने कई मंदिर उजाड़ दिए, पर माँ का आशीर्वाद, बुजुर्गों की पूजा अर्चना और रक्षक की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। महादेव राय जी, 27 बरस में एक बार महाशुक्र ग्रहण आता है, और जब ये ग्रहण पूरा हो जाए तो मंदिर के अंदर दाखिल होके माँ की पूजा अर्चना की जा सकती है। इस ज्वालामुखी पत्थर के बगैर कोई भी मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता। देवी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए ये चमक रहा है। आपके पिताजी के बाद आपकी औलाद को यह आशीर्वाद हासिल होगा। महाशुक्र ग्रहण पास आ रहा है, हम सबको ग्रहण से पहले ही मंदिर पहुंचना होगा। मेरा आशीर्वाद है। लालची दीवान जग्गू ने उस मंदिर के सारे राज मिस्र के एक जालिम कबीले के सरदार मुख्तार को बेच दिए। मुख्तार और उसकी बीवी फक्तूनी के शैतानी दिमाग में आज भी काला जादू का खुमार सवार है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस ताकत को पाकर वो भूत, वर्तमान और भविष्य को अपने काबू में कर सकते हैं। माँ का त्रिशूल पाकर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। उन लोगों ने मिस्र के पिरामिड में दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को ममी बना के रखा हुआ है, ताकि रुद्र त्रिशूल और ज्वालामुखी पत्थर हासिल करके वो इन ममी को फिर से जिंदा कर सकें और उनकी मदद से तबाही फैला सकें। अगर देवी माँ का त्रिशूल, रुद्र त्रिशूल और ज्वालामुखी पत्थर उनके हाथ लग गया तो मिस्र सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। मिल गया, मुझको मिल गया। जिस राज से दुनिया अनजान थी आज मेरी मुट्ठी में है। अब इसकी मदद से हिंदुस्तान पर मेरी हुकूमत होगी। उस रुद्र त्रिशूल को हासिल करने के बाद उस असीम मंदिर को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। मुख्तार, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना आसान नहीं। भाईजान, आप मेरे शौहर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है फख्तूनी, लेकिन उस रहस्यमय मंदिर की हिफाजत खुद देवी माँ कर रही हैं। कौन रक्षा करता है, उनका भगवान? नहीं, एक ऐसा रक्षक जिस पर देवी माँ का वरदान है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर की हिफाजत सदियों से करते आ रहे हैं। उस रक्षक का नाम है रुद्रा, महारुद्रा। रुद्र कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक तूफान है जिस पर देवी माँ का हाथ है। उसके हाथों में 100 हाथियों की ताकत है और उसकी तलवार में दुश्मन का सर धड़ से अलग करने की ताकत है। ये योद्धा तलवारबाजी का महारथी है। ये हवा में उड़ सकता है, पत्थर जैसा इसका बदन है, शोलों की तरह इसके इरादे हैं। यही है रुद्रा, महारुद्रा।
भद्रागार समुद्र पार हिमाद्रिक्रोत्पल रुद्र रौद्रानंद हरिद्रागात्रुक्तानंदिकरुद्र कृत विद्युत विद्युत्यानन रुद्र कृत 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 सुभद्रुद्रत रक्षादीक्षित रुद्र शक्तिपीठ संरक्षण रुद्र शत्रुनाश प्रज्ञानृति रुद्र सत्पविष्ट जन्मांकित रुद्र दीन वीर वंशोद्भव रुद्र ऊर्ध्वपादचमचाकृति रुद्र उग्र नारसिंहाकृति रुद्र त्यागयज्ञ पूर्णाहुति रुद्र शास्त्रधर्म खड्गायुध रुद्र खामोश हो जाओ। मैं ना तो उस शक्तिशाली पीठ को तबाह कर दूंगा बल्कि उस रक्षक के सिर को कलम करके फख्तूनी के कदमों में रख दूंगा। ये मुख्तार की जबान है। फख्तूनी मेरी जान, अब हम दोनों की मुलाकात होगी हिंदुस्तान को हासिल करने के बाद। भाभी जी, ग्रहण पूरा हो चुका है, बाहर आ जाइए। स्वामी जी, बेटा होगा या बेटी? देवी माँ के आशीर्वाद से तुम्हें बेटा ही होगा। खौफ भी उसे देख के कांप जाए, किसी से खौफ न खाने वाला शेर दिल हो, मंदिर की हिफाजत करने के लिए वो अपनी जान देने से भी पीछे न हटे। महाशुक्र ग्रहण पूरा हो चुका है, अब पूजा करने के लिए हमें मंदिर में जाना होगा। देवी माँ की पूजा करने के बाद रक्षक की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और उसे कोई तब तक नहीं मार सकता जब तक उसकी पीठ पर वार न किया जाए। महाशक्ति पीठ का ये मुख्य द्वार है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दुनिया का कोई भी हथियार या तंत्र मंत्र इस मुख्य द्वार को नहीं खोल सकता है सिवाय इस रुद्र त्रिशूल के। इस रुद्र त्रिशूल के बिना मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। ये रास्ता कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। ज्वालामुखी पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ते ही मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। सूरज डूबने के बाद ज्वालामुखी पत्थर कमजोर हो जाता है। एक और बात, मंदिर का दरवाजा वही खोल सकता है जिसके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद हो। नमो नमः।
महाशक्तिशाली देवी माँ को मेरा प्रणाम। ये ज्वालामुखी पत्थर इस मंदिर में अपने आप अपनी जगह पर पहुंच जाता है और पूरा मंदिर जगमगा उठता है। महादेव राय, परम शिव की जटा से बहने वाली पवित्र गंगा के जल में मंदिर के रक्षक को स्नान करके खुद को पवित्र करना होगा। गंगा के इस पवित्र जल से स्नान करने से अग्नि उसे छू नहीं सकती। ये त्रिशूल त्रिमूर्ति की शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल में अद्भुत शक्तियां हैं, जो इसे हासिल कर लेगा उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे कितने ही दुष्ट पापियों ने ये त्रिशूल ले जाने की कोशिश की, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। महादेव राय, हमारे देश की 18 शक्ति पीठों की प्रतीक हैं यहाँ के ये 18 स्तंभ। मुख्तार, हो रही रुद्रा की बीवी। भाभी अंदर चले जाइए। भाभी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भाभी अंदर चले जाइए। भाभी आगे मत बढ़िए। बता कहाँ है रुद्रा? मौत से मिलने की बहुत जल्दी है तुझे। सब्र कर, जल्दी मुलाकात होगी उससे। आज तू नहीं बचेगा, तेरा सर रुद्रा के हाथों ही कलम होगा। बेटा गौर से इन स्तंभों को देखो, ये 18 अलग अलग स्तंभ हैं। स्तंभ की हर एक मूर्ति देवी माँ का एक अलग रूप दर्शाती है। जब रक्षक त्रिशूल से इन स्तंभों को छूता है तो त्रिशूल के स्पर्श से स्तंभों की शक्ति जागृत हो जाती है। इन 18 शक्ति पीठों की ताकत और चमत्कार रक्षक के अंदर आ जाती है। किसी आम शख्स के लिए इस त्रिशूल को उठाना नामुमकिन है। जैसे ही त्रिशूल को देवी माँ के हाथों में रखा जाता है, इसकी महादैवीय शक्ति और बढ़ जाती है। सूरज के ढलते ही मुख्य द्वार बंद हो जाता है। अगली पूजा महाशुक्र ग्रहण के वक्त होगी, 27 बरस बाद। कहाँ छिपा बैठा है? महाराज खुद को योद्धा समझता है, रक्षक बनकर बैठा है। बाहर निकल, वरना तेरी बीवी और बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप लोग पूजा जारी रखें। अगर मर्द का बच्चा है तो आके मेरा सामना कर, देखू तो कितना दम है तुझमें। Hey!
तूने अपनी मौत को ललकारा, अब तू देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ये मेरी मौत नहीं है, इसकी मौत तो मैं हूं और मेरे आदमी। ये अकेला मेरा बाल भी नहीं बाका कर सकता, उससे पहले मैं इसे काट डालूंगा। खौफ से भाग जाएंगे और हम खौफ से जो हारे वो कायर होते हैं। तुमसे और तुम्हारी फौज से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मेरे बुजुर्गों की दुआ और लोगों का प्यार ही मेरे लिए वरदान और हथियार है। जिसके सर पर जगत माता का हाथ है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। मैं तेरे इस मंदिर को तबाह कर दूंगा, हिंदुस्तान के नक्शे से इसको मिटा दूंगा, फिर वो त्रिशूल अपने साथ ले जाकर अपने सारे पूर्वजों को जिंदा करूंगा और इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा। तेरा सर अपनी बेगम को तोहफे में देने का वादा किया है। तू मेरे जगत माता के मंदिर में आकर मुझे ललकार रहा है। मुझे कसम है मां की, तेरे खून से माता के चरणों का अभिषेक करूंगा। देवी माता के पवित्र 18 शक्ति पीठों का ध्यान करके आज तेरी बलि चढ़ाऊंगा।
रक्षा कर। के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारी रगों में जो खून है वो उस रक्षक का है जिसने मंदिर की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। जगत माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बाबूलाल ले जाओ। बेटे के अलावा कोई भी इस तलवार को निकाल नहीं पाएगा। ठहर जाओ। अम्मी, अब्बा जान कब आएंगे? बस आते ही होंगे। सीजा, मेरे शौहर मुख्तार हिंदुस्तान पर फतेह करके लौट रहे हैं। जाओ पता लगाओ कहां पहुंचे। जान, मुख्तार कहाँ रह गए भाईजान? क्या उन्होंने वो त्रिशूल हासिल किया जो सबसे शक्तिशाली है? उन्होंने उस रक्षक का खात्मा किया कि नहीं? बताइए भाईजान, आखिर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या हुआ भाईजान? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? भाईजान, क्या आपकी खामोशी की वजह जान सकती हूँ? मुख्तार कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आ!
करने गए थे और ये सब क्या हुआ? आखिर इनका ये हश्र किसने किया? एक दिन हिंदुस्तान की तबाही का मंजर देखेगी। उस पल के बाद फख्तूनी ने पूरा एक बरस अंधेरे में बिताया। वो अपने शौहर की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही थी। उसने ठान लिया था कि वो अपने काले जादू और शक्तियों से हिंदुस्तान को तबाह कर देगी। उसने अपने बड़े बेटे के साथ वो किया जो दुनिया की कोई भी माँ सोच भी नहीं सकती। महादेव राय जी, देवी माँ की इस बच्ची पर खास नजर है। वो इसे आशीर्वाद दे रही हैं। ये पत्थर बहुत चमक रहा है, इसमें इसके दादाजी की सभी खूबियाँ हैं। स्वामी जी, इसका रक्षक कौन है? जब ये 21 साल की हो जाएगी तो अपने रक्षक को खुद ही पहचान लेगी। वसंत ऋतु के महाशुक्र ग्रहण तक इसका खास ख्याल रखें। जय जगत माता। फख्तूनी ने अपने शौहर की आंखें निकालकर अपने बेटे को लगा दी ताकि वो एक खतरनाक इंसान बन सके। सब कुछ हो जाने के बाद उसने अपने बेटे का नाम रखा राका। देव राय जी, हम यहाँ से देवी माँ के 8 पवित्र स्थानों पर जाकर हरिद्वार के पावन कुंभ मेले में पहुँचेंगे। आप ये ज्वालामुखी पत्थर लेकर हमें हरिद्वार में मिली है। इस ज्वालामुखी पत्थर को गंगा नदी में पवित्र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो बेटी ऐश्वर्या को सारे राज बता सकते हैं। महादेव राय जी, ऐश्वर्या और इस पत्थर की रक्षा करना
अब आपका फर्ज है। जैसा आपका हुक्म। ओके, सब कुछ ठीक है, आप महफूज हैं। सुभाष राव, क्या है ये सब? अब क्या मुसीबत आ गई? बचपन से मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं हूँ सुभा राव गायतोंडे, ड्यूटी पर आता हूँ खा कर चार अंडे। ठीक है, पर मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? अंडे से ज्यादा टेस्टी है, इसीलिए खा रहा हूँ। आप आसमान में रहें या जमीन पर, मेरा एक ही फर्ज है, आपकी हिफाजत करना। देख लूंगी। से खत्म क्यों नहीं किया? पैसा, पहले पैसा। सर, इनके पास ये तस्वीर मिली है, ये होम मिनिस्टर की बेटी है। आखिर कौन लोग हैं जो होम मिनिस्टर की बेटी के पीछे पड़े हुए हैं? हाय पापा, आप किसी ऑफिशियल ट्रिप के लिए जा रहे हैं? ऑल द बेस्ट। कल हम सब दोस्त मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। सोचिए कितना मजा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। नहीं जाओगी, ये अगले 2 महीने तक घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। क्या? पर क्यों नहीं जा सकती? जिद मत करो, तुम स्विमिंग करने गई थी तब कुछ गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तुम्हारी जान को खतरा है बेटी, फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम घर में ही रहोगी बेटी। सुभाष राव, ऐश्वर्या घर में ही रहेगी, सिक्योरिटी और भी कड़ी कर दो। जी हुजूर। गलती की गुंजाइश नहीं, कोई गलती नहीं होगी। फ्लाइट का वक्त हो गया है, बाय। क्या मुसीबत है, इस मुच्छड़ और इसकी टीम को देखकर लगता है जैसे मैं जेल में हूँ। एक पल भी अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, मुझसे ज्यादा खुश तो तुम लगते हो। चलो, बेबी घर पर है, दरवाजे पर पहरा लगवा दो। आयशु, हेलो आयशु। टॉमी, हम घूमने गोइंग, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम लोगों के साथ ट्रिप पर नहीं जा सकती, डैडी ने साफ मना कर दिया। अब्बा, डोंट वरी, बैकअप प्लान पहले से ही बना कर रखा है। उल्टी करो। ठीक 1 घंटे के बाद तुम सब दोस्तों को लेकर मेरे घर के पीछे आ जाओ, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। अरे तुम तो काफी संस्कारी हो। के पट्टों, रात भर उल्लू की तरह जाकर नजर रखना, कल दूसरी सिक्योरिटी वाले भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, कड़ा मुकाबला होगा। चींटी भी दिखे तो पैरों तले रौंद दो। इस दीवार से लेकर उस दीवार तक, इस छोर से लेकर उस छोर तक, यहाँ जो भी होती है हलचल, मुझे उसकी खबर मिलनी चाहिए पल पल। सुबह जब मैं यहाँ आऊँ तो बेबी कितनी भी मिन्नतें करे, मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। आज होम मिनिस्टर की बेटी को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, कल पीएम की बेटी को दूंगा। मैं सुबह राव गायतोंडे ड्यूटी पर आता हूँ खा कर चार अंडे। क्या प्लान है मोहतरमा? कोई प्लान नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सीधे निकल पड़ेंगे। इस नक्शे पे जहाँ मेरी उंगली पड़ेगी हम वहीं के लिए निकल पड़ेंगे। जयपुर। वाओ जयपुर। उस मुच्छड़ बॉडीगार्ड और उसकी टीम से छुपकर आखिर बाहर आई गई। आइए आइए आइए, जयपुर में इस्तकबाल है, प्यार से बुला रहा हूँ, आ जाइए। अरे हैंडसम भाई आइए। तुमने हमें हैंडसम कहा? अरे लोहे की पहचान लोहार ही कर सकता है। देखिए इतनी मोहतरमाओं के साथ यहाँ मत घूमिए, इस शहर में बहुत सारे ठरकी हैं। टॉमी, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? अरे नमक, हट यहाँ से। नमस्ते मैडम, हमारी A to Z ट्रैवलिंग एजेंसी है, टूरिस्ट के लिए लॉजिंग, बोर्डिंग, साइट सीइंग, गाइडिंग मैं करता हूँ, और ये रही मेरी गाड़ी। तुम्हारा आविष्कार किस नाम से हुआ है? प्रभु, मतलब भगवान। हे प्रभु, आपकी पहचान हुजूर? नाचीज को टॉमी कहते हैं। टॉमी यानी डॉगी, लगता है काटता भी। टॉमी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर ना मैं पक चुकी हूँ। हाँ। चलो ना इस खटारा में ही चलते हैं, मजा आएगा। सलमान, वांटेड, फिल्म लगी। टॉमी, चलो ना प्लीज फिल्म देखते हैं। ओके। पहली बार बिना किसी सिक्योरिटी के।
ओहो, कंबल ओढ़कर सो रही है। रात में गोल्ड माइंस की फिल्म देखी है लगता है। बेबी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जागो बेबी। माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। सुबह राव, सुबह जब तुम ये देखोगे तो सर पीटोगे। गाय तोंडे अब पड़ेंगे डंडे। मर गए, इज्जत मिट्टी में मिल गई। गाय तोंडे कॉलिंग, बेबी पिंजरे से उड़ गई। हाउसफुल मैडम जी, आज भाईजान का दीदार होना मुश्किल है। इस रेस को छोड़िए और चलिए यहाँ से। नो वे, सलमान की फिल्म देखे बिना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। टॉमी, ब्लैक में लेकर आओ, चाहे जितना भी पैसा लगे। बालकनी के लिए ना टॉमी, पता नहीं सलमान जैसा टाइगर मुझे कब मिलेगा। हीरो कौन है? एंट्री तो बड़ी जबरदस्त मारी है। सच कहूँ तो छोकरा एक नंबर लग रहा है। सच बताऊँ तो ये शहजादा लग रहा है। मोहतरमा, ये ऐसा शहजादा है जो हर दिल पे हुकूमत करता है। शहजादा भाई जान का सबसे बड़ा फैन है। ये खुद भी हीरो से कम नहीं है। मैं भी इसका फैन हूँ। अच्छा? कुछ भी बोल यार, है बहुत स्मार्ट। इसके स्मार्टनेस देख के तो लड़कियाँ अपना दिल बिछा देती हैं। तेरे पास? अरे ये क्या? अभी टिकट का प्राइस डबल। पैसे तो दिया ना मैंने। चल पैसा निकाल, पैसा निकाल, चल जेब खाली कर, पैसे दे। अरे दान करने के लिए थोड़ी। ये नरम करूँ क्या तेरा कान गरम? सुनाई नहीं देता तेरे को? टिकट लेके पिक्चर देखेगा या फ्री में तेरी पिक्चर सबको दिखाऊं? कौन है बे तू? शक्ति। कौन? दिल है नरम, दिमाग है गरम, बाकी ऊपर वाले का खास करम। तो मेरे फट्टे में टांग क्यों अड़ा रहा है तू? यार यही तो लोग समझते नहीं है। देश में कई नदियां हैं फिर भी पानी की किल्लत है। जिस थिएटर में पिक्चर लगी है उसमें टिकट की किल्लत। अगर ब्लैक में टिकट है तो उसे खरीदने के लिए पैसे की किल्लत। चलो यार एक बार ब्लैक में टिकट खरीद भी ली, फिर उसके बाद तुम जैसे अनपढ़ जाहिल गवार आवारा गलीस लोफर और टुच्चे के साथ लड़ने के लिए, इंसाफ को हक के तराजू में तोलने के लिए और तुझ जैसे इंसान को जिल्लत देने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। स्वैग से स्वागत। It's show time. इंटरवेल खत्म। चलो यार जल्दी खत्म करें, दूसरा शो भी देखना है मुझे। Yeah.
अरे वाह, तुम अकेले दबंग, बाकी सब बबम बबम। अगर मैं होता तो सबको ऊपर पहुंचा देता, लेकिन तुम तो उनको ऐसे धोए। रोकड़ा निकाल। क्या? शक्कर गिराना कम कर और रोकड़ा निकाल, नहीं तो अखे बाजार में टोकरा लेके घूमेगा। ऐसा? लेकिन मैंने तो 5 टिकट के पैसे दे दिए हैं। अबे झुंझने, ये टिकट का पैसा नहीं, फाइट का पैसा है। एक खोपड़ी का 1,000 तो 10 खोपड़ी का 10,000। हमने लड़ने के लिए बोला था क्या? ये गरीब लोग अमीर देखकर पीछे ही पड़ जाते हैं। तेरे इस खिलौने का खिलवाड़ होने से बचा है। पिक्चर देखनी है या नहीं? मैं तुम्हें देख लूंगी। विश यू द सेम। हाँ चलो ना, चलो पे मारो। चलो ये लो। पारस फोन लगाओ उसे। हेलो जैकी। महादेव राय जी यहाँ आए हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। हाँ हाँ आगे बोलो। बताओ मुलाकात कब करनी? आज मूड नहीं है, परसों। कहाँ पर? जगह बाद में बताऊंगा। मीटिंग तो आज तय हुई थी। जैकी कब क्या करता है कोई नहीं जानता। कब कहाँ कैसे और किसके साथ सब मैं तय करता हूँ। वो कह रहा है कि हमसे परसों मिलेगा। Damn it, गद्दार। ये वो जग्गू नहीं है जो कभी आपका खिदमतगार था। अब ये जैकी के नाम से मशहूर है। अब ये 2 नंबर के धंधे का बेताज बादशाह है। बड़े बड़े लोग इसके नाम से कांपते हैं। जहां तक नजर डालो उसका ही इलाका है। सुनिए, गर्ज हमें है, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बोलो सावित्री। सुनिए जी, ऐश्वर्या बिना इत्तला किए ट्रिप पर चली गई है। क्या? वो कब निकली? जिस रात आप रवाना हुए। ओ ऐश्वर्या। सावित्री तुम घबराओ मत और सुनो, किसी को बताना मत। मैं DIG से बात करता हूँ, घबराओ मत। होम मिनिस्टर की बेटी बिना किसी को इत्तला किए ट्रिप पर गई है सर। ये बात राज ही रहनी चाहिए। यस सर। इस फाइल में उसकी तस्वीर और बाकी जानकारी है। खबर मिली है कि वो जयपुर में है। और ये बात राज ही रहनी चाहिए। ये रईस खानदान की इज्जत का सवाल है सर। अगर आपकी मर्जी है कि ये राज रहे तो ये राज ही रहेगा। बहन, महाशुक्र ग्रहण के लिए सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। किसी भी कीमत पर वो ज्वालामुखी पत्थर हमें हासिल करना होगा, और अभी तक हमारे लोगों ने उस लड़की को अगवा भी नहीं किया है। फिक्र मत कीजिए, ये मसला मेरा बेटा देख लेगा। दीदार कीजिए मेहरानगढ़ किला का। अरे नाम तो हमें भी पता है, इस किले का इतिहास बताओ। तुम्हारे जैसा ढक्कन नहीं है। अगर इस किले के चप्पे चप्पे को जानना चाहते हो तो हमारे प्रोफेसर साहब से मुलाकात करनी होगी। प्रोफेसर साहब हाजिर हो जाइए। ये काउबॉय लुटेरा? हाँ ये लुटेरा ही तुम्हारा गाइड है। ये लुटेरा? हाँ। पहले ही बोला था ना फ्रीलांसर हूँ, गाड़ी का भाड़ा निकल जाता है। मुझे तो लगता है भाड़े से ही अपना घर खरीद लेगा। चलो अब जो काम है वो करो। पहले इससे पूछो रोकड़ा कितना लेगा। राजा का सिंहासन और रानी का सिंगारदान, ये दोनों दिखाने के 2,000 बहुत ज्यादा। देखो मैडम, अनजान शहर में ये अजनबी ही काम आएगा। अरे समझा दो इनको। शहजादे मैडम सिक्सर के फिराक में रहेंगी तो बोल्ड हो जाएंगी। हीरोगिरी तो मैं निकालूंगी। ठीक है, पर इससे कह देना कि साफ साफ भाषा में समझाए। अलग भाषा का अलग चार्ज लगेगा। अरे सर इंग्लिश में समझाओ ना प्लीज। इंग्लिश ही सर हनी बन। कौन से इंग्लिश सुनोगे? इंग्लिश की भी कोई टाइप होती है क्या? कई टाइप की इंग्लिश होती है। अमेरिका की एक्सेंट इंग्लिश, ब्रिटिशर की क्लीन इंग्लिश, यंगस्टर की स्लैंग इंग्लिश और तुम जैसों की वीक इंग्लिश। ईस्ट की इंग्लिश हो या वेस्ट की इंग्लिश हो, तुम जैसे अनपढ़ गंवार के लिए मेरे पास मुंबई या इंग्लिश है, चॉइस इज योर्स। इसके पास तो काफी ज्ञान है, पूछो इससे मेरे साथ बांटेगा क्या? देखो ये कोई मामूली गाइड नहीं है, बहुत ऊंची हस्ती है। जल्दी से भाव ताव कर लो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ पे जो आता है मैं उसे जाने नहीं देता। राजा ऊपर से देखेंगे और रानी सामने से ढिन चेक करेंगे। What is सिपाही doing? मच्छर मारेंगे एंड स्लीपिंग। और हमको तुम चुना लगाओगे? शक्ल देख के पूरी मानता है।
ये तोप कितना मस्त है। ये तोप 1863 में बनी, राजा इसे उठा के 1904 में यहाँ लेके आई। यहाँ 150 और तोपे हुई। वो कौन सा किला है? नूडल पे कौन से किले का करें? ये वाला। तो इसके बारे में पूछ उसके लिए एक्स्ट्रा। क्या ये चलता है? मेरा चलता है। क्या दिमाग, ऑटो ले लेना। तुमने आज हमारे साथ काफी ज्ञान बांटा। ये लो अपना पैसा ले लो। हमें एक रुपया नहीं देंगे, बल्कि 8,000 रुपए ये हमें देगा। मैं दूंगा, वो क्यों? सीधा हिसाब है, थिएटर के बाहर तुमने रोकड़ा 10,000 रुपए लिए थे, अब 2,000 रुपए उसमें से निकाल दो तो अब 8,000 रुपए तुम्हें हमें देने होंगे। पर रख लो मेरी तरफ से तुम्हें टिप, अब से ध्यान रखना मुझसे पंगा मत लेना। कम ऑन गर्ल्स। सुनो प्रभु, तुम्हारे लुटेरे को तो हमने लूट लिया, अब तू ज्यादा शाणा बनेगा तो तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा, समझा ना? चलो परियो। और नहीं तो क्या? देखो चेहरा कैसे लटका हुआ है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं इस धूप में मैं पिघल ना जाऊं। हे दोस्तों वहाँ देखो। हाँ चलो चलो, बहुत प्यास लगी है, चलो ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जल्दी जल्दी दे दो, दे दो। अरे हम यहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आए हैं, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। ओए माँ, इतनी गर्मी में चाय? बिना तवे के ये चाय कैसे सेकेगा? क्या? ओए माँ, रेगिस्तान में चाय का अलग ही मजा है। वाओ। देखो तो टॉमी, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अगर अब इसने पैसे मांगे ना तो इसके पैसों की चिता बना के इसे भस्म कर दूंगा। एक चाय देना। ये लो बेटा। हमें इससे होशियार रहना पड़ेगा। खानदानी लुटेरा है, क्राइम मास्टर गोगो का भांजा चोचो। बेटा पैसे? हीरोइन देगी ना पैसा? ए हेलो, तेरी चाय का पैसा मैं क्यों दूं? पूरा किला फ्री में घूमी, 2 रुपए की चाय नहीं पिला सकती? तूने जब से यहाँ कदम रखा है, तुझे लोफरों से बचाया, फुकट का किला दिखाया, उसका हिसाब कौन करेगा? एक बात और सुन ले, तूने जो नौटंकी की वो मुझे रास नहीं आया, उसका 1,000 एक्स्ट्रा। लगता है बदला लेने आया है। बदला ये क्या लेगा? बदला तो मैं लूंगी, अभी दिखवाती हूँ मैं क्या चीज हूँ। रेगिस्तान में रेंगते हुए भगाऊंगी इसे। सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोगों से एक काम है, वो जो आदमी ना उसकी धुलाई करनी है, मैं आप सबको पैसा दूंगी जितना मांगी होता। करेंगे? अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टॉमी? कावबॉय सींग से सबको भगा दो ना। आपकी दुम पकड़ने का बहुत शौक है ना, जाके बिन बजा के बचा ले। अरे मुंह मांगी कीमत दूंगा, चलो। आगरा के पागल खाने से नहीं भगाऊं, इस पूरे ट्रिप में मुझे 2,000 का चूना लगा दिया, चला। अरे अरे वो 2,000 भी दे देंगे और इसको बचाने का एक्स्ट्रा दे देंगे, प्लीज चलो। क्या हुआ शक्ति भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कांटों को हटा के गुलाब की हिफाजत की है, शो मिस कर दिया तुमने। तुमने हिफाजत की? फिर तो बहुत रोकड़ा मिला होगा। भैया नहीं होते तो भाभी किसी और की हो जाती। वही तो मियाँ, पता ही नहीं चलता हमारा हीरो कब तंबू में बम्बू गाड़ दे, समझे? अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा झोला खाली हो जाएगा और ये बॉक्स भर जाएगा। ये बॉक्स नहीं, एटीएम है, लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम जाते हैं, हम अपना एटीएम साथ में लेके घूमते हैं। इस बैंक में सिर्फ क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं। अरे सुनो, सेटिंग कराओ ना। अबे क्या समझ रखा है? इतनी सारी फूल है और रेगिस्तान में बहुत धूल है, अगर ये हमारे साथ शामिल हो जाए तो हम चूल कर सकते हैं। अरे प्रभु मना मत कर, लेकिन रोकड़ा लगेगा। अरे टोकरा भर के दूंगा। तुम शहजादी को मना। हाँ? मैं शहजादे से बात करता हूँ। ठीक है। शहजादे आयशु, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी क्या? ठीक है, क्या याद रखेगा? चल डन। पर एक शर्त है। जैसा मैं कहूँगी वैसा करना पड़ेगा। ओके, बुला ले उनको। आ जाओ। हाँ अभी आया। अब बैगम पढ़ के। चलो दोनों मान गए तो हाथ मिलाते हैं। चले। क्यों? इस रेगिस्तान में ये रात बिताएंगे, उससे कहो इंतजाम करे। भैया
वाह, कितना लंबा दूरबीन है। 1 घंटा चलना पड़ेगा। ये भी एक नगीना ही है। सच में ये भी कमाल का नमूना है। ओए माँ, भैया अगर रेगिस्तान में कहीं भी टेंट लग सकता था तो आप इतना चला के हमारे बॉडी को डेंट क्यों करवाए? चलना फिरना सेहत के लिए अच्छा होता है, तू नहीं समझेगा। कुल्ला करके पानी वेस्ट मत कर, वरना 1 बोतल पानी के लिए 10 बोतल का पसीना निकलेगा और बिच्छू डंक मारेंगे वो अलग। सुनो शक्ति, सोने का टाइम हो गया। तो लोरी सुनाओ क्या? तुमसे तो बिल्कुल नहीं सुननी। कल सुबह मुझे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी चाहिए होगा, वो भी एकदम ठंडा। आयशु, यहाँ 1 बूंद पानी ढूंढने के लिए इतनी मेहनत लग रही है और तुम्हें सुबह 2 बाल्टी पानी चाहिए? मुझे क्या ये उसकी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा 30 मार खाए है तो पानी लाकर दिखा। मोहतरमा, एक बात जान लीजिए, इसने आज तक वही काम किया है जो नामुमकिन है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। 1 बाल्टी पानी का 500 रुपया? 5,000। क्या कहा, 1 बाल्टी का 5,000? आयशु, गाँव में तो मैं 5,000 में पूरा का पूरा कुआं खोद दिया था। मुझे कुछ नहीं सुना, पैसा मुंह पे मारो, मुझे तो ठंडे पानी से ही नहाना है। फिल्म की टिकट हो या पानी की पकेट, ये तो दोनों हाथ से बटोर रहा है। सुनो, उन भाड़े के टट्टुओं को दोबारा बुलाएंगे? अरे नहीं नहीं, मत बुलाओ, हम तो मुस्कुरा के तुम्हें पैसे दे रहे हैं। ये क्या? मैंने आज तक पैसों के लिए किसी को इस हद तक जाते नहीं देखा। ये देख, 2 बाल्टी पानी के लिए पता नहीं कितना चला होगा। ये खुद टोपी पहनता है पर दूसरों को टोपी नहीं पहनाता। टॉमी, क्या देख रहे हो? क्या हुआ? धोखा दिया, तुम्हारी बदनसीबी है कि तुमने तालाब नहीं देखा और ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम जैसे बदनसीब मुझे मिले। चॉइस इज योर्स, 2 बाल्टी पानी में नहाओ या इस पूल में तैरो। आयशु, ऐसे तो ये हमारे सारे पैसे चाट जाएगा। मुझे इसके मुंह नहीं लगता है, चलो यहाँ से, चलो सामान पैक करते हैं। बेटा झूले लाल, हाँ, तू ही झूला झूलेगा। बहुत झूल, तो 1,000 का धन निकाल। झूला तू झूल रहा है और पैसे मुझसे ले रहा है? झूला हम झूले या तुम, पैसा तो तुम ही दोगे। अबे तेरी, अगर आवाज निकाली तो रेट डबल। ओए माँ, सूरज मामू, 3 दिन पहले निकाह हुआ, बस घूंघट उठाने ही जा रहा था, उससे पहले मुझे उठा के ऊँट पे बिठा के रेगिस्तान ले आए। 20 वाला चश्मा हटा के कुछ बोलिए। इस डिपार्टमेंट में 20 साल हो गए, किसी हमराज को भी राज नहीं बताया मैंने। तरो ताज़ा शादी हुई, बता दीजिए। तुझे क्या, अपनी बीवी को भी नहीं, उसे भी पंचायत रहती है। मेरा हर राज दिल की तिजोरी में बंद रहता है। तिजोरी का पासवर्ड बताइए। ढक्कन बंद रख अपना। अरे रुक जाओ, उस तरफ तो पासपोर्ट लगेगा। वो आ गया महादेव। क्या बदतमीजी है? सबर रखिए। कैसे हो महादेव राय? जग्गू वर्मा, मुझे वो त्रिशूल चाहिए। ना, जग्गू वर्मा नहीं, जैकी, जैकी द ग्रेट। जैकी, तुम्हें पता है ना ये यहाँ किस लिए आए? हाँ जानता हूँ जानता हूँ, ये रुद्र त्रिशूल लेने आए हैं और क्या। मैं यहाँ खैरात बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ कि कोई कुछ भी मांगे और मैं दे दूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ,
कीमत क्या दोगे बोलो? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी जायदाद, हीरे जवाहरात, जो कुछ भी मेरे पूर्वज छोड़ गए हैं, वो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस वो त्रिशूल मुझे चाहिए, प्लीज। महादेव राय, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन जो कीमत तुम मुझे दे रहे हो उतनी तो मैं एक रात में उड़ा देता हूँ। ये तुम गलत कर रहे हो जैकी। धोखे से तुमने मेरे पिताजी को मारा, फिर भी मैं हाथ जोड़ के तुमसे भीख मांग रहा हूँ जैकी। मेरी गुजारिश है, प्लीज वो त्रिशूल मुझे दे दो। चाहो तो उसके बदले मेरी जान भी ले लो। तेरे बाप की जान लेने में फायदा था, तेरी जान का क्या करूंगा? तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। पहले ही मेरे बाप की टोकरी बहुत भर चुकी है। घंटी बजी, एक मिनट। हेलो, इस बारे में सोचता हूं। हर कोई तरस रहा इसके लिए। ऐसा फेंक तमाशा देख बिड़ो, चलता हूं। जैकी, ये तो जा रहा है। जैकी, अरे कहाँ ले आए हो, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। श्रीनगर का एक नंबर गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस का मालिक दुनिया का आठवां अजूबा है। ओ श्याम जी, आ जाओ हमारे गेस्ट हाउस में, आप सबका वेलकम है, आ जाइए। वाह, नेपाली और यहाँ वो कैसे? हाँ मैम साहब, कश्मीर से आसाम तक, कन्याकुमारी से गुजरात तक, नेपाली हर जगह मौजूद है। हमारे लिए कोई जगह छोड़े? हाँ साहब जी, दुनिया की सबसे कीमती जगह छोड़ी है। इस बड़े से शहर में हमारा छोटा सा गेस्ट हाउस साहब जी। शक्ल तो नौकर जैसी है, मालिक कैसे बन गए? उसके पीछे बहुत गहरा राज है साहब जी। आइए मेरे पीछे, मैं सुनाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे गेट का कीपर था। होटल के सुल्तान की एक शहजादी थी। थोड़ा प्यार हुआ, थोड़ा इकरार हुआ। इधर हम दोनों के दिल की धड़कन एक हुई, वहाँ इसके बाप की धड़कन बंद हो गई। इधर निकाह हुआ, उधर मेरा गेस्ट हाउस पे कब्जा। ए प्रभु, आशक्ति, इसका आइडिया तो बहुत ढासू। ओ श्याम जी, ये तरकीब तो इसके बाप से ही मिली है। अरे चुप भी करो। अरे इश्क विश्क कुछ नहीं, जायदाद के लिए फंसाया है इसको। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। सैंपल सामने। साहब जी, आप सबका रूम तैयार है, चलकर आराम कर लीजिए। श्याम जी, मौसम बहुत सुहाना है, आप यहाँ कहीं पर भी बैठ के पी सकते हो। हम ये सब करने नहीं आए। हमारा तो रोज का है, चलने की तैयारी करो। उड़ेंगे सर। हेलो मजनू, तुम्हारी लैला बोल रहा हूँ, आधा गुंगा थोड़ा ना पूरा। मैं इंस्पेक्टर सन्यासी राव बोल रहा हूँ। बोलो सन्यासी राव। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो श्रीनगर गए। फॉरन श्रीनगर जाओ। ओके सर। और उसे ढूंढ निकालो। ओके सर। मिस्र में बैठ के तंत्र मंत्र करने से कुछ हासिल नहीं होगा। खबर मिली है कि वो जयपुर से श्रीनगर गई है। तूने मुझे एक खोखा दिया और बदले में मैंने तुझे ये खबर दी। अगर तुझे और जानकारी चाहिए तो उसके लिए तुझे और पैसा देना होगा, 2 करोड़। और 1 रुपया कम नहीं लूंगा। ऐसे क्या देख रहा है तू? उस लड़की का बाप कोई मामूली शख्स नहीं है, सेंटर का होम मिनिस्टर है। पैसा दोगे तभी खबर दूंगा। मेरे सामने किसी की आवाज ऊंची हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी के अभी श्रीनगर जाने की तैयारी करो, फौरन। देखो हमारा पैसा खाकर कैसे सो रहा है। हम चुपके से वहाँ जाएंगे और उसके संदूक में से अपना सारा पैसा ले लेंगे। अपना तो लूटेंगे, उसका भी लूट के ले आएंगे। देखो तो कैसे झूम रहे। जोर का झटका है, ज्यादा जोर से लगा। इनका फोटो लेके सलून में लगा। किसी और की चीज पे हाथ डालोगे तो झटका तो लगेगा ही। ये है एटीएम मशीन। रूप की रानी चोरी ना करे इसीलिए हिफाजत करनी पड़ती है। अगली बार छुआ तो रॉकेट पे बिठा के उड़ा दूंगा, फिर सीधा मंगल ग्रह पे जाके एलियन के साथ लूडो खेल। अरे ठोकर लगने के बाद ही इंसान को अकल आती है। हम सबकी हिम्मत तो धुएं के साथ ही उड़ गई। चलो चल के झूले लाल। हाँ, तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो, फाइन देना तो बनता है। अरे झटका तो पहले से लग गया ना। झटका तो सजा थी, कैश पेनल्टी है,
बैटरी चार्ज करने का 1000 रुपया लगता है, समझा टिचकुले? टॉमी, जितना मांग रहा है दिल, नीचे छोड़ो इसे। प्रभु, वो पैसा अंदर है। भाई तुम सही कहते थे, इसके अंदर भी करंट है। सर, सर पैर वाले सर, सुनो। हेलो जी, कश्मीर में बर्फ बहुत है, लेकिन बर्फ के गोले में कलर डालने के लिए तुम नहीं हो। फिकर मत करो लैला। इस लड़की को देखा है कहीं? नहीं साहब, नहीं देखा है। कहीं नहीं देखा? नहीं नहीं। आयशु, वहाँ देखो। मैं ये मिशन खत्म करते ही मिशन हनीमून पे आऊंगा और लाइट जला के हम एक मिनट करता हूँ। आप यहाँ घूमने आए, साइट सीइंग कर रहे हैं? ए पंचायती, साइट सीइंग नहीं करेंगे तो क्या साइट में सू करेंगे? उन पर ध्यान मत दो, उनका स्क्रू ढीला है। तो तुम टाइट कर दो। दूर से आए हो क्या? मजाक मजाक में। अरे वाह, आपका नसीब कड़क है सर। मेरी कुंडली फटे लिए। ओ मतलब तुम्हारी शादी हो गई है? शादी तो हो गई है, मैं घूंघट उठा रहा था, साहब मुझे उठा के ले आए। बहुत बुरा हुआ। ऑल द बेस्ट। इससे ताकत मिलेगी अच्छे से घूमना। चलो ऐशु, और जगह भी देखना। हेलो मजनू, इस लड़की की शक्ल देख के इसका आने वाला कल बता सकते हैं। ये अपनी मर्जी से शादी करेगी। वैसे भी इस नक्चड़ी से शादी कौन करेगा? घूर तो ऐसे रही है जैसे आंखों से दिल में गोली मारेगी। प्रभु गारंटी के साथ बोलता हूँ, जाते वक्त ये हमको लूट के जाएगी। और इस झूलते मीनार को म्यूजियम में लगा के 2 रुपए की टिकट रखते हैं। किसको? गुड़िया को, जिसको तो कोई फुकट में भी नहीं देखेगा। तुम गुड़िया किसको बोल रहे हो? तेरे को। अरे आयशु, यहाँ पर इतनी ठंड है और तू इतनी गर्म। इस टेढ़ी खीर को सीधा करना ही पड़ेगा। कोई तरकीब है? प्लान नहीं, बिग प्लान। Come on girls. वाह, कितना खूबसूरत है। हाँ, माता के 8 मंदिरों में से ये एक है। सच में बहुत सुंदर है। आयशु, ये किसके खातिर बांधा? शर्मा क्यों रही है, नाम बता। जिस लड़की ने कभी मंदिर में कदम नहीं रखा वो आज मन्नत मांग गई है। बता बता, नाम बता, बता ना शर्मा। हेलो वसीम, लड़की मिल गई। अब हमारे कब्जे में।
गई। पक्तुनी, लड़की हमारे हाथ से निकल गई। इसकी खबर मुझे मिल चुकी है। बताइए क्या ये शक्ति उस लड़की का रक्षक है? ओ क्या है ना शाह जी, हमारे गेस्ट हाउस की एक रस्म है, मेहमान के साथ हम लोग फोटो खिंचवा के रिसेप्शन पे लगाते हैं। तो आप लोग की भी एक खींच लूं शाब जी? क्या खींच ले? फोटो शाब जी, आप भी क्या कॉमेडी करते। चलो उस होटल में चलते हैं। गजब, उस होटल में जाके फोटो दिखा के पूछताछ करेंगे। मुझे वो फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और कुछ कहना है? अब ढक्कन बंद कर। ओके। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ बोलो। एक लड़की की तलाश है। इधर नहीं है शाब जी। इस लड़की को देखा कहीं? ऐश्वर्या मैम साहब, इन्हें तलाश रहे। हाँ यही। ये मैम साहब तो दो दिन से यही थी शाब जी। बात कर रहे हो? फिर कहाँ गई? ये लेफ्ट लेके लेफ्ट घूम जाओ। तो राइट है। हाँ राइट ही है, तुम लेफ्ट घूम जाओ। क्या पका रहा है? देखो आप मेरे को अच्छे आदमी लगे इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर को जाओ और वहाँ से और ऊपर को जाओ, फिर अगर टाइम मिले तो वहाँ से कूद जाओ शाब जी। हेलो शाब जी, हेलो, शाला का पैसा, तुम्हारा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। अरे सुन, फौरन निकलेंगे। मजनू रिटर्न के घर नहीं जा रहे बेवकूफ। लड़की का पीछा करना है। ये मेरे जो सर है ना, वो मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं। तुम जज्बाती मत होना। आयशु, अब बताओ कहाँ चलना है? चिड़ियाघर, तेरे लिए वही जगह बेहतर है। देखने के लिए उंगली नहीं, इस बार तो जो दिल कहे। हरिद्वार। क्या बात है, हरिद्वार। महादेवराज, जैकी फोन नहीं उठा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इजिप्ट वाले लोग भी रुद्र त्रिशूल के पीछे पड़े हैं। मुझे हरिद्वार जाकर स्वामी जी से मिलना है। ज्वालामुखी पत्थर को गंगा जल से पवित्र करना है। ऐश्वर्या को भी कहाँ ढूंढूं? जैकी से मैं खुद बात करूंगा। इससे पहले कि देर हो जाए आप इंडिया चले जाए। ये मॉडर्न कैमरा कितना मस्त है ना, मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ। वो भी ठीक ठाक दिख रही है। सीजन का टाइम है, सब कमरे फुल है। क्या चाहिए शाब जी? इस लड़की को देखा है कहीं? हमको तुम्हारा हाथ पसंद नहीं आया, इसको हटाओ यहाँ से। हमारे यहाँ भी एक चपरासी था, उसका भी हाथ में ऐसे ही टैटू था। हमको उसका हाथ पसंद नहीं आया तो हाथ ही कटवा दिया। अपने हाथ की सलामती चाहते तो निकलो यहाँ से। चलो निकलो। कान चाचीना का फोन है। शाबजी कहाँ तक पहुंचे? हरिद्वार। हेलो, लगता है नेटवर्क चला गया। कहाँ चला गया सावित्री? हाँ? ज्वालामुखी कहाँ है? हो सकता है ऐश्वर्या अपने साथ ट्रिप पर ले गई हो। ट्रिप पर?
ज्वालामुखी को गंगा में पवित्र करना था, अब क्या होगा? आ जाओ, पहुंच गए हरिद्वार। इस लड़की को देखा है? पूजा के लिए मैं पंडित ढूंढ कर आता हूँ। खोजने की जरूरत क्या है, मैं हाजिर हूँ। संकल्प सिद्धिरस्तु, संकल्प अभीष्ट सिद्धिरस्तु, तथास्तु। आप लोग किस राज्य के प्राणी हैं? मत पूछिए पंडित जी, इसका ना आने का ठिकाना है ना जाने का ठिकाना। सब चिड़िया घर से भागे हुए जानवर हैं, और ये टॉमी तो ऐसा मुंह में जो दूसरों को पिघलाता है। पूछा क्या इन्होंने? पूछेंगे क्यों, देख के समझ में आ जाता है। पहले जयपुर, फिर कश्मीर, अब हरिद्वार। जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं ना, उसका मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं। पंडित जी, यहाँ पर माता जी का एक मंदिर है ना? है ना, हो रहा पहाड़ पर। ज्वालामुखी का रक्षक मिल गया। लेकिन कौन है वो और कहाँ है? ज्वालामुखी स्वच्छ हो गया, कहाँ गया वो? वसी, वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही, हर तरफ देखिए। बाबा तोते से पूछ के बताओ, मेरी सुहागरात होगी कि नहीं? तस्वीर दिखाइए। माँ कसम, ये छोकरी, इसको तो मैंने अपने कानों से खुद देखा है, वो भी यानी कश्मीर में। दिखाना तो जरा, इसको तो मैंने देखा है, कमीशन के चक्कर में झूठ बोल रहा है। आप जिसे तलाश रहे हैं, उसने अभी मुझसे पूजा करवाई है। अब कहाँ हो रही? वहाँ पे बेटी, हमारे लिए दो लोग उछल रहे हैं। मिल मिल लिए कौन? पुलिस 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 पुलिस। रो जाइए, आपने तो मेरे को बिस्किट दिया था। आयशु कहीं खो गई है। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, ऐसे कैसे खो गई? शेट्टी, हमें यहाँ से जाना होगा। अरे लेकिन अभी तो आए, बताओगी? चलो अभी, चलो प्लीज।
स्वामी जी। एक बुरी खबर है, आज मेरी झोली खाली है। हाँ स्वामी जी, मेरी तिजोरी से ज्वालामुखी पत्थर कहीं गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ खो गया। स्वामी जी मुमकिन है ऐश्वर्या अपने साथ ले गई हो, मुझे बिना इतला किए कहीं चली गई है। गंगा जल में मैं उसका अभिषेक नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं स्वामी जी। दुखी मत होइए महादेव राय जी, हमारी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी, ये माँ की इच्छा है। इसलिए आज के ही दिन सही वक्त पर ज्वालामुखी पत्थर गंगा में पवित्र हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? ज्वालामुखी स्वच्छ हो चुका है, इतना ही नहीं ऐश्वर्या का रक्षक भी जल्दी मिलने वाला है, उसे जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त है। स्वामी जी, जैकी ने मुझे वो रुद्र त्रिशूल नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उसे सब कुछ देने के लिए तैयार था। पुलिस, पुलिस वाले भाई। सर जी, बोलो। इंस्पेक्टर सन्यासी राव, आपकी बेटी यहीं हरिद्वार में है? सच कह रहे हो? कहाँ? तो देख के उड़न छू हो गई। स्वामी जी, ऐश्वर्या हरिद्वार में मौजूद है। इसका मतलब जैसा कि आपने कहा, ज्वालामुखी का अभिषेक हो चुका है, वो जरूर ऐश्वर्या के पास है। पर ऐश्वर्या है कहाँ? एक्सीडेंट हो गया। चलो गर्ल्स चाय पीते हैं। भाई यही है वो छोकरा, उस दिन इसी ने उसे हमसे बचाया था। मार दो उसको। शक्ति संभल के। I need backup immediately. Over. A1 calling. A1 calling. Hi, Jaya. टर्मिनेटर है, एनएसए के सीक्रेट एजेंट है शक्ति। हाँ? स्वरूप तो?
यहाँ से, जल्दी जल्दी करो। Go, 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 go! सुनो बहन, जैकी दुबई से रुद्र त्रिशूल लेकर यहाँ के लिए रवाना हो चुका है। इस जगह से वो जिंदा नहीं लौटेगा। क्या हाल है जग्गू वर्मा? नहीं 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 नहीं, जग्गू वर्मा नहीं, जैकी, द ग्रेट जैकी। हमारी दी हुई खैरात से तुमने ये मुकाम हासिल किया है और हम ही से घमंड? गलत फहमी में जी रही हो फक्तूनी, उसके बदले में बहुत गहरा राज मैंने ही तुमको बताया था। तुमने तो बस उसकी कीमत चुकाई थी, खैरात नहीं थी वो, सौदा था। बताओ जैकी, रुद्र त्रिशूल कहाँ है? फक्तूनी, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया का सबसे रईस आदमी बनूं। अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी की तो ये रुद्र त्रिशूल तुम्हारा होगा, और अगर मंजूर नहीं किया ना तो बाजार बहुत बड़ा है। अरे मैं खुद ही एक अजगर है, जिसने बचपन से मेरे सिर पे हाथ रखा उसको 55 की उम्र में निकल लिया। अजगर कभी किसी का हुआ क्या? त्रिशूल कहाँ है? दुबई में। ये नागिन इधर सांप फेंक के मार रही है और त्रिशूल लेके आऊ क्या मैं? शानों का शाना हूं मैं। जैकी, तुम मेरे एरिया में आओगे, पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद वो त्रिशूल तेरा विड़ू। भक्तों ने महाशुक्र ग्रहण करीब है, शेयर बाजार की तरह अपना रेट भी हाई हो रहा है, अब तो इत सोच क्या करना है। बाय। बहन, हमें उसकी बात माननी ही होगी, और कोई रास्ता नहीं है। मम्मी, सॉरी मम्मी। ऐश्वर्या, माफ कर दीजिए पापा। कोई बात नहीं बेटी। ऐश्वर्या, ज्वालामुखी कहाँ है? डायमंड बॉक्स कहाँ है वो? ज्वालामुखी? वो लॉकर में पैसों के बीच रखा हुआ था, शायद तुमने गलती से उठाया हो। ठीक से याद करो बेटा। ऐश्वर्या याद करो, गोल्ड बॉक्स था, उस बॉक्स में स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। बॉक्स? कम ऑन ऐश्वर्या, टेल मी कहाँ है वो बॉक्स? नहीं जानती, अब किसकी बात कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा था सर, ऐश्वर्या अभी कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद घर पहुँची और आप सवाल जवाब में लगे हैं। मिस्टर शिवाजी, उस पत्थर का मिलना जरूरी है, अंडरस्टैंड?
जो भी इसके साथ थे सबसे पूछताछ करो। मिस्टर प्रताप। यस सर। शक्ति स्वरूप कहाँ है? बस पहुँच रहे हैं। जैसे ही वो आए उनसे कहना फौरन आके मुझसे मिले। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर शक्ति, हमारी इजाजत के बिना तुम इस ऑपरेशन पे कैसे चले गए? आखिर ऑर्डर्स किसने दिए तुम्हें? इस डिपार्टमेंट में शामिल होने से पहले हम सब एक कसम खाते हैं, हम अपने जान की बाजी लगाकर अपने देश और देशवासियों की हिफाजत करेंगे। उसी कसम ने हमें इजाजत दी है सर। हमारे पास पक्की खबर थी सर कि कुछ आतंकवादी होटल में छिपे हुए हैं। जब उनको खत्म किया तब पता चला कि उनका टारगेट होम मिनिस्टर साहब की बेटी है। इसीलिए मैं सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए उनके घर गया था और मैंने देखा कि ऐश्वर्या वहां से भाग रही। मुझे पूरा यकीन था कि टेररिस्ट ऐश्वर्या का पीछा जरूर करेंगे। उसी दिन से वो मेरा टारगेट बन गया। यही वजह है कि मैं गाइड बनकर ऐश्वर्या से मिला। नतीजा आपके सामने है। उनके ग्रुप का चीफ वसीम हमारी गिरफ्त में है। ओके। रवि, क्या इसने अपना मुंह खोला? एसीबी बैनर्जी के कत्ल के पीछे इसी का हाथ है। अभी तक इसने एक लफ्ज नहीं कहा। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं एक घंटे के लिए अंदर जाना चाहता हूँ। I will make him talk. शक्ति, ये काम ऑफिसर रवि का है, तुम इसमें दखल मत दो। जैसा आप कहें। दोनों बहन, मुझे खबर मिली है कि वसीम दुश्मनों के हाथ लग गया है। उसे बहुत सख्त निगरानी में रखा गया है। ग्रहण करीब आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। आपके सारे सवालों का जवाब है मेरी ताकत, मेरा गुरूर, राका। जाओ बेटा, इंतकाम को पूरा करो। कड़वी बात कह रही हूँ पर सच्ची है, कितनी भी कसरत कर लीजिए पर आपकी तोंद अंदर नहीं जाएगी। ये कल का लड़का, तुम देखना मैं इसे सस्पेंड करूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, डिपार्टमेंट से निकाल दूंगा। मुझसे जबान लड़ाता है, डिपार्टमेंट का चीफ हूँ पर मेरी ही नहीं सुनता है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं जी? अरे एक ही तो है, एनएसएस स्पेशल ऑफिसर महान शक्ति स्वरूप। शुक्रिया डैड, आखिर आप मान ही गए कि मैं होनहार हूँ। देख रही हो, जो दूध तुमने मेरे लिए लाया था वो खुद पी रहा है। आपको इसकी क्या जरूरत, वैसे ही आपकी तोंद काफी बाहर निकली हुई है। हाँ ये बात तो चुप करो, बाप हूँ लेकिन इसका बड़ा भाई लगता हूँ। अंडरकवर अंडरकवर करके मुझे अंडरग्राउंड कर देगा। अंडरकवर का क्या, बुक पब्लिश करना है? हमारा रिश्ता राजी रहना चाहिए, आपसे बात ही करना। रुको रुको रुको, अंडरकवर करके खुद तो कवर से चौका छक्का मार रहे हो लेकिन ऐश्वर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया है। मेरे पास सारी खबर है। मिस्टर शिवाजी, सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दीजिए, नहीं तो। आराम से बेटा, आराम से। क्या तुम सुबह सुबह मेरे बेटे के पीछे लग गए? आखिर कोई बेटे के जन्मदिन पे उसे परेशान करता है? करने दो गुस्सा, मैं जानता हूँ इनके गुस्से में भी प्यार है और डांट में दुआ है। जल्दी से दूध खत्म करो, तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। ये तो काफी खूबसूरत है। मैडम, होम मिनिस्टर जी की बेटी आई है, शक्ति ने जिसकी जान। आ, आ, आ। नमस्ते आंटी, मुझे तो ये बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रही है, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना इसका। इनकी हिफाजत मैं क्या करूँ, शक्ति सर है ना, इन पर एक आंच भी आने नहीं देंगे। और ये भी तो शक्ति सर को बहुत पसंद करती है, बस शादी करवा दीजिए। शादी? तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। जब कोई बात ही नहीं है तो मसला यही खत्म करते हैं। बकवास मत करो आंटी, शक्ति के पास मेरा कुछ सामान रह गया है, क्या मैं ले आऊं? हाँ जाओ ले आओ, वो बेडरूम में अपने, एक हग भी दे देना। हाँ? जाओ। मैडम की जुबान थोड़ी स्लिप हो गई। ओके। थोड़ा टेंशन में आ गई। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तो मेरी चीजें हैं। मेरी तस्वीरें तुम्हारी कब से हो गई? तो हमेशा तुम मेरी तस्वीरें खींच रहे थे। जुबान ना सही, दिल तो पढ़ सकता हूँ। तैयार हो गए शक्ति? तुम अपना कुछ सामान लेने आई थी, तुम्हें मिला कि नहीं? कितना पसारा कर रखा है। मिल गया आंटी, शक्ति की वजह से ही मैं उसे ढूंढ पाई। तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, आज इसका जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो शक्ति। शुक्रिया। मैं नहीं जानती थी वरना कोई तोहफा लेके जरूर आती।
तोहफा तो इसे मिल चुका है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की इसे जो मिल गई। चलो हेलो, तुम कैसे हो जैकी? हाँ बोलना बेड़ू। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं उन्हें पूरा करने के लिए बहन ने मंजूरी दे दी है। वक्त, जगह और कीमत, ये सब तय करने का हक मेरा है बेड़ू। रूल्स मेड बाय मी जैकी। सर, दुनिया के मशहूर लॉकर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अवतार यहाँ आ चुके हैं। मिस्टर जैकी, आप नसीब वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि आपके पास मुझ जैसा नगीना है और अंग्रेजों ने अपने कोहिनूर हीरे की हिफाजत करने मुझे रखा था, लेकिन पता नहीं वहाँ पे एक मक्खी अंदर आ गई और उसने हीरे को गंदा कर दिया और उसे हमने मार दिया, लेकिन हमारा ईगो हर्ट हो गया, हमने रिजाइन कर दिया। अगर यहाँ गलती हुई ना तो नौकरी से नहीं जाएगा बेड़ू। अरे आप तो रहम दिल है। दुनिया से जाएगा। इंतजाम देख लीजिए, मेरे पीछे आइए प्लीज। सिंसिनाटी बबलाबू, अबे दरवाजे खुल जा तू। ये क्या है, हवा में कैसा लड़का है? अभी बताते हैं, आ गया हो। इसे कहते हैं साइंटिफिक सिक्योरिटी। मैं हूं अवतार। इसके आसपास मैंने एक ऐसा लेजर बीम का जाल बिछा दिया है जिसे कोई नहीं देख सकता और छूने वाला देखते ही। शाबाश वीडियो अवतार, बहुत पसंद आया तेरा ये जुगाड़। हाँ सच या अंग्रेजी नहीं ना मेरा? ये नहीं बेड़ो, ये पर्सनल। हेलो, हाँ बोल। हेलो जैकी। सुन पारस, आई एम सॉरी, इजिप्ट के फक्तूनी ने अपनी शर्तें मंजूर कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। गुड बाय बेड़ो। जैकी प्लीज समझने की कोशिश करो। पक्का मत। डैम इट। हेलो महादेव राय जी, जैकी ने त्रिशूल देने से इनकार कर दिया है। What? मेरी हर कोशिश नाकाम रही। उस धोखेबाज ने मिस्र वालों के साथ हाथ मिला लिया है। अब हम क्या करें? पता नहीं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। स्वामी जी, ज्वालामुखी पत्थर ऐश्वर्या के पास नहीं है। जग्गू वर्मा ने त्रिशूल देने से साफ इनकार कर दिया है और वो उस त्रिशूल को फख्तूनी को बेचना चाह रहा है। अब मैं क्या करूं स्वामी जी? देवी माँ के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। तुम लोग यही ठहरो। मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसके नाम की पूजा कर दीजिए। बहुत अच्छा। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शायद ये वही बॉक्स है जिसे तुम्हारे पापा तलाश रहे थे। मुझे ये बॉक्स हरिद्वार में मिला। हेलो, शक्ति को वो ज्वालामुखी पत्थर मिल गया है। दुष्ट दल संस्थिताय। सच में स्वामी जी? हाँ, ज्वालामुखी मिल गया है। मिस्टर शिवाजी जी, ज्वालामुखी और ऐश्वर्या को लेकर फौरन हम्पी पहुंचिए। हम बस अभी निकलते हैं।
रघु कमिन। शक्ति कमिन। होम मिनिस्टर साहब का ज्वालामुखी पत्थर मिल गया है, चीफ उसे लेकर हम्पी रवाना हुए। शक्ति यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? ए, कौन है तू? भैया ज्वालामुखी को लेकर ऑफिसर हम्पी जा रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। शक्ति वो लोग ज्वालामुखी के पीछे जा रहे हैं, उन्हें पता है चीफ हम भी जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, उनकी हिफाजत करो, जाओ जाओ शक्ति जाओ, उनके पास जाओ। हो जाए, रुकना नहीं। ओके सर, रुकना नहीं, चलते रहो। ये पत्थर लेकर आप हम्पी रवाना हो जाइए। ठीक है, चलो निकलते हैं। Oh!
खा चुका है। रक्षक आ चुका है, चलो। देखो सब लोग, रक्षक आ चुका है। मैं जानता हूं जगत माता इसे यहां लेकर आई है। मैं जानता हूं ये सब जान के तुम्हें हैरानी होगी। तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं, पर हकीकत में हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार। 27 बरस पहले जो हादसा हुआ था वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। रक्षक के वारिस होने के नाते तुम्हें अपना फर्ज निभाने और इस मंदिर की रक्षा करने के लिए देवी माँ ने खुद तुम्हें भेजा है। यह हकीकत है शक्ति, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा जरूर किया है शक्ति, पर हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया। हाँ बेटा, आज से 27 साल पहले ठीक इसी दिन हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम पूजा करवा रहे थे, तभी तुम हमें मिले। दुर्गा माँ के मंदिर में हम औलाद के लिए मन्नत मांग रहे थे और उसी वक्त दुर्गा माँ ने तुम्हें हमारी झोली में डाल दिया। रुद्रा, रुद्रा, स्वामी जी, रुद्रा वापस आ गया, तू वापस आ गया। तुम्हारे पिता के मुलाजिम तुमसे जुदा होने के बाद अपने होश गंवा दिए। क्यों, अब समझ में आया? यही वजह है कि तुम पैदा हुए हो। तुम्हें एक बड़ा काम पूरा करना है, इसीलिए देवी माँ ने इनके हाथों तुम्हारी परवरिश करवाई है। बाजुओं में ताकत और किसी का कोई खौफ नहीं, इसीलिए तुम्हें देश की हिफाजत के लिए चुना गया है। अब मुझे क्या करना है? महाशुक्र ग्रहण करीब आ रहा है, मिस्र के लोग मंदिर को तबाह करना चाह रहे हैं। हमें ये ज्वालामुखी पत्थर तुम्हारे जरिए हासिल हुआ, त्रिशूल को लाने की भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो त्रिशूल कहाँ है? धोखे से तुम्हारे पिता का कत्ल करने के बाद वो जैकी दुबई भाग गया है, उसी के पास त्रिशूल है, पर उस त्रिशूल को गहरी निगरानी में रखा हुआ है, उसे तुम्हें ही लाना है। राका, बेटा उठो, राका। कोई भी शस्त्र मेरे राका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस त्रिशूल को जैकी ने कहां छिपाया? वो हमेशा जगह बदलता है, बस इतना मालूम है कि वो हमेशा हाई सिक्योरिटी में रहता है। उस तक पहुंच पाना नामुमकिन है। हमारे पास एक रास्ता है, बस हमें किसी भी कीमत पर सिक्योरिटी इंचार्ज अवतार को पटाना होगा। अवतार? ए टकलिया, अवतार को बुलाना। बॉयज कैच हिम। अरे अरे एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कर रहे हो? मैं अवतार जी का असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, उनका पंखा हूँ। बोल रहे हो, छोड़ दो उसे। अरे तुम कौन हो भाई? मेरा नाम शक्ति है सर, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से दुबई आए मेरा असिस्टेंट बनने के लिए? दुबई क्या है सर, अब मंगल ग्रह पर होते तो मैं रॉकेट से वहाँ पहुँच जाता। एक मिनट सर, कुछ लाया। रेगिस्तान का नींबू अपने टकले पर लगाइए, रात भर लगाकर छोड़ दीजिए, बाल मेरे जैसे घने हो जाएंगे। रेगिस्तान से नींबू लाए, हिमालय में उगने वाला गाजर और पानी में उगने वाला तरबूज भी ले आते हैं। कैसी रही?
ये गजब है। सर बॉस आपको बुला रहे हैं। आते हैं। बॉस मैं सोच के आया था कि आप मेरे बॉस बनेंगे लेकिन आपका भी बॉस है। हमारा कोई बॉस नहीं है, उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। उस ढीले ने हमें बहुत ढील दी है। सिक्योरिटी का सारा इंतजाम हमारा है। किस चीज की सिक्योरिटी का इंतजाम सर? साहब के सारे पुराने आइटम की नई तरीके से सिक्योरिटी हमारी है। आपको तो म्यूजियम में होना चाहिए सर। रहा है, अभी से म्यूजियम में डाल रहा है मुझे। अभी तक तूने मेरा जलवा देखा ही कहाँ? ये देख जलवा, ये बचेगा सुबह का खाए। बॉस यही जाते हैं क्या? यही बॉस है, रंगून का रंगीला बुड्ढा घोड़ा रेस में दौड़ा। कैरम पाउडर नाक में क्यों डाल रहा है? कैरम पाउडर नहीं है, नशा कर रहा है। अरे हटाओ ये सब। गुरु हमें वो जगह दिखाइए जहाँ पर चींटी भी पर नहीं मार सकती। कर रहा है मेरी? तू तो वाकई मेरा बहुत बड़ा फैन है रे। अब देख ये नजारा, मंगल ग्रह पे भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होगी। जरा ये पकड़िए। गुरु घंटाल, आपके नाम की घंटी गले में बांधूंगा। आपका हाथ सर पर होगा तो मैं हवा से बात करूंगा, आपको करोड़ों रुपए दूंगा। गुरु का दक्षिणा गुरु ले लीजिए, आपके सर के चश्मे की कसम ले लीजिए। अरे ले लीजिए ना। नहीं नहीं मैं आपको दूंगा, एक मिनट लाते हैं, थोड़ा भारी है, 50 किलो है। गुरु दक्षिणा आपके साथ एक फोटो तो बनती है। गुरु आप बैठ के नोट गिनिए, थूक लगा के। अरब शेख के बागीचे का नींबू, अब इससे नींबू शेक पीजिए। इसने तो मेरा रस निकाल दिया। जाहिल, तूने उसको सब कुछ बता दिया, वो छोकरा इधर आया कैसे? चल अब बता कितने रिश्वत ली? देखना चाहेंगे, रेगिस्तान की नींबू दी है। अबे ये नींबू है, इसका क्या? ये चकले में घिसने के बाद बाल उगाता है, आप भी लगाइए। अबे तेरे नींबू की तो। मोबाइल रेडियो लगा 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 शॉट लगा है। सुनो बॉयज, अब यहाँ रुकने में खतरा है, चलो निकलो यहाँ से। हेलो जैकी, पैसों का इंतजाम हो गया है, त्रिशूल लेने के लिए हम वहाँ आ रहे हैं। तो फिर एक काम कर, पैसा लेके मरीना में मिल। ठीक है जैकी। कौन है? सामने आ, ए, सामने आ। कौन है तू? तेरी मौत गौर से देख, तेरा काल हूं मैं, जिस शख्स के पीठ पर तू वार करके भागा था, जिस आदमी का नाम लेते ही रूह कांप उठती थी, रुद्रा। रुद्रा, मैं उन्हीं का बेटा हूं। तूने क्या सोचा रक्षक की नस्ल खत्म हो गई? उन्हीं का खून आज मेरी रगों में बह रहा है। कसम है कि उनकी मौत का बदला आज लेकर रहूंगा। अब नहीं बचेगा तू। पहले मेरे से तू बच। मिशन सक्सेसफुल। रुद्र त्रिशूल मैंने हासिल कर लिया, बस मैं पहुंच ही रहा हूं, डैड को बता दो। महाशुक्र ग्रहण पूरा हुआ, सूरज डूबने से पहले पूजा हो जानी चाहिए, रक्षक को आना होगा। क्या हुआ? बात क्या है? तुम ठीक हो ना?
शक्ति कहाँ रह गया अंकल? अचानक उसे एक जरूरी काम आ गया, बस वो निपटा के आ जाएगा। उसने कहा है कि पूजा शुरू कर दीजिए। शक्ति आ जाएगा, आप पूजा शुरू कीजिए। ठीक है, आइए। रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय। अब ये सब ढोंग बंद करो। परसों पहले मेरा शौहर हिंदुस्तान की तबाही देख सके इसलिए मैंने उसकी आंखें इसमें लगा दी। अब देखते हैं कौन सा रक्षक तुम्हें बचाने के लिए आता है। रक्षक का इंतजार करके कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आने वाला। पारस, तुम हमारी दोस्ती को फक्तूनी के करोड़ों रुपयों ने खरीद लिया है। चुप रह गद्दार, जिंदगी भर मैंने तुझे अपना छोटा भाई माना और तूने मुझे ही धोखा दिया। ऐश्वर्या, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, एक बात ध्यान से सुनो, देवी माँ की पूजा नहीं रुकनी चाहिए। अगर ये पूजा नहीं हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐश्वर्या, वक्त बहुत कम है। ले चलो इसे। नहीं 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 नहीं, कहा है राका, वो रहा शक्तिशाली त्रिशूल, ले आओ उसे। मेरे शौहर का ख्वाब, शक्तिशाली त्रिशूल। राका, यहाँ का हर एक स्तंभ देवी माँ का रूप है, हर एक स्तंभ को तोड़ दो, इस मंदिर को तबाह कर दो, साथ ही हिंदुस्तान को भी। आज मुख्तार अपनी आंखों से हिंदुस्तान की तबाही देखेगा। जाओ जाओ राका, मिटा दो इस मंदिर को। जगत माता, ये तुम्हारे 18 स्तंभों को खत्म कर रही है। इस शैतान को रोकने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। इस मंदिर को आपको ही बचाना होगा माँ। इस मंदिर का रक्षक कहाँ है माता? उसे अपना फर्ज निभाना ही होगा। पकड़ लो इसे। Yeah!
मंदिर को बचाने के लिए और तुझे सजा देने के लिए साक्षात जगत माता से ताकत हासिल करके वो आ गया, वो शक्ति स्वरूप। चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मेरे बेटे का सामना नहीं कर सकता। राका, जल्दी स्तंभ को तोड़ दो। सूर्यास्त का वक्त हो चुका है। से पहले देवी मां के पास त्रिशूल रख दो, 18वां स्तंभ बाकी है। मैंने अपने शौहर की आंखें अपने बेटे राखा में लगा दी थी। आ!
शैतानों को सजा और नेक लोगों की रक्षा, यही है जगत माता की लीला। पूरी दुनिया में अमन और चैन बना रहे।